सर एक मिनट बताने में आपको तो भाई, अगर आपको रिसर्च का टॉपिक ही याद नहीं है, आप समय कहते टॉपिक याद लिख दीजिए। टॉपिक में कहाँ कैपिटल होगा, कहाँ स्मॉल होगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ कामा लगेगा, कहाँ डैश लगेगा, पता ही नहीं। लेकिन आप टॉपिक नहीं लिख पाए, पीएचडी कर लिए हैं, जॉब तो नहीं मिलेगा। वो भी राय पढ़ा आपको बताने के लिए आए हैं, आपसे बात करने के लिए आए हैं, अपना सब काम छोड़ के आए हैं, आप उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। अभी कहते हैं हमें जॉब ही नहीं मिलता है। जिसको जॉब मिला है वो बताने के लिए आपको आया है कि जॉब कैसे मिलेगा। अब कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं, हम तो खाना खाएंगे। अच्छा कितना सुने साहब, बस जॉब नहीं मिलेगा। देखिए साथियों, नोट कर लीजिए, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफल लोगों की संगत कीजिए। सफलता का आपको मंत्र बता रहे हैं। आप अगर असफल लोगों के साथ बैठेंगे तो आप भी असफल हो जाएंगे। वैसे ही जैसे कि एक व्यक्ति चोर के साथ बैठता है तो चोरी करता है, डकैत के साथ बैठता है तो डकैती करता है, और अच्छे लोग के साथ बैठता है तो अच्छा बनता है। कहा जाता है कि चोर चोरी से नजात। एक संत ने जो है ऐसे ही कहा गया, चोरी वोरी करना ठीक नहीं है, पता नहीं कितने जन्म में भोगना पड़ेगा। तो एक चोर आया, वो कहा कि महाराज आपकी बात हमको समझ में आ गई है, अब हम चोरी नहीं करेंगे। हम चोर हैं मानते हैं लेकिन अब नहीं करेंगे, आपके साथ रहना चाहते हैं। एक दिन एक घंटा सुनने के बाद इतना फायदा हुआ, तो अगर आपके साथ रहेंगे तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। महात्मा ने कहा ठीक है, आओ। अब वो साथियों चोरी तो करता ही था, जानते हैं कहानी आप लोग, सामान तो चुराए नहीं, क्योंकि उसने मजा किया था कि सामान नहीं चुराएंगे। और रात में जब सब लोग सो जाएं तो ए का सामान बी के पास, बी का सामान सी के पास, सी का सामान डी के पास रख दे। और सुबह लोग उठे कहें सामान हमारा कहाँ गया, ये किसका आ गया, ये किसका आ गया। तो बाद में मालूम पड़ा कि चोर जो है आदत से लाचार था, रात में करता नहीं था, सामान ए का बी को दे दिया, बी का सी को रख दिया, और फिर सब खोते रहते। तो धीमे धीमे चीज़ें। तो अब देखिए, आपके टाइप रिसर्च करने वाले लोग बहुत से मिल जाएंगे आपको, और ऐसे निकम्मे रिसर्च करने वाले लोग आपको हर गली में मिल जाएंगे। मुझे अनुभव है, मैं अपने 40 साल के अनुभव के बारे में बता रहा हूँ, जो जगह जगह घूम रहे हैं। उनसे आप पूछेंगे आपने रिसर्च कर लिया भैया, अरे क्या रिसर्च कर लिया यार, देख तो रहे हो ये 5 हज़ार रुपये महीना मुझे मिल रहा, क्या रिसर्च का फायदा है, अरे किसी तरह से कुछ करो के जमा कर दो, काम खत्म हो। तो आपने उनके साथ संगत कर लिया, अब ऐसे आपको सैकड़ों लोग मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। तो आप जब उनके साथ संगत करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, तो वो तो जो किए हैं वो आपको बताएंगे, अब वो आप भी हो जाओ। अब अगर आप चाहते हो हम सफल हो जाएं, तो आप ऐसे आदमी को पकड़ो, आप वो भी राय को पकड़ो, आप अपने कुलपति को पकड़ो, आप साउथ में जाओ और IIM में जाओ, वहां के प्रोफेसर को पकड़ो, तो सफल हुए वो, रिसर्च किए हैं वास्तव में। तो अब क्या होगा, अब IIM में जाओगे, आप ओबी राय के पास जाओगे, यहाँ तो आपसे बोलने के लिए आए आप सुनने, वहाँ हम लोग हमारे पास जाएंगे, हम आपको नहीं सुनेंगे, खाली कौन बैठा। हम सफल हैं ना, हमारे पास कीमत है, समय की कीमत है, हमने समय की कीमत पहचाना है, तभी तो सफल हुए। आपने समय नहीं पहचाना इसलिए आप असफल हैं। इफ यू किल टाइम, कि टाइम विल कम व्हेन टाइम विल किल यू, कहावत है। समय को बर्बाद मत कीजिए, ये तो एक ऐसा समय आएगा जब समय आपको बर्बाद। तो अब आप गए सफल आदमी से मिलने के लिए, IIM के प्रोफेसर के पास गए, पैसा को छोड़ दीजिए, अपनी पढ़ाई अपने आप करने में ठीक नहीं होगा। गए उसके बाद मिलने के लिए, पैसा आपसे बात करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि कैसे रिसर्च बढ़िया होती है, कुछ जीवन में बनना चाहते हैं, क्या हम खाली नहीं है, हम खाली नहीं, जाइए फटी जाइए फटी, तब बाहर निकल आए। कहेगा आप कभी नहीं जाएंगे, पैसा आप कहते थे मिलिए खाक मिलिए तो बात ही नहीं करता, फिर आपको मेहरबान बनना पड़ेगा, अब योग्य नहीं है ना। उस सफल व्यक्ति ने जो मेहनत किया है, जो लगन किया, वो जगह जगह धक्का खाया है, बहुत जगह उसको डांटा होगा, कई जगह सफलता उसको मिली होगी, लेकिन सबका मुकाबला किया, तब जाके वो एसी कमरे में बैठता है और 10 लोग उसके आगे मुझे घूमते हैं। एक बार भगाए, 2 बार भगाए, 3 बार भगाए, गाय जब दूध देती है तो लात नहीं मारती है तो उसको पुचकारा जाता है, डंडे से नहीं मारा जाता है। एक बार जाइए, 2 बार जाइए, 3 बार जाइए, 4 बार जाइए, सर हमको आप सीखना है, आप नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। तब जो देखेगा कि नहीं वास्तव में लायक है, ये कुछ जानना चाहता है, सीखना चाहता है, तब आपको बताएगा ऐसे करो, ये करो, वो करो, तब आप सफल होंगे। तो आपकी या आप जैसे आपका मतलब हम
एक असफल लोगों की बात कर रहे हैं, आप असफल नहीं है, मेरा ये भाव नहीं है। जो लोग असफल हैं उनकी असफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि उनका जो वो है, जो दोस्ती है वो असफल लोगों से। असफल लोग नकारात्मक होते हैं, उनको हर जगह समस्या दिखाई देती है, कहेंगे बहुत भ्रष्टाचार है, जॉब कहाँ मिलने वाला है, जब तक 10 लाख रुपया होगा नहीं जॉब मिलेगा नहीं। अरे कुलपति बनने के लिए क्या है, जब तक आपके पास 1 करोड़ रुपया हो जाए कुलपति बन जाएगा। अरे वो तो वहाँ वो हो गया, वहाँ वो हो गया, वहाँ वो हो गया, सब पूरा संसार उनके लिए भ्रष्ट। अरे मेरे भाई ठीक है भ्रष्टाचार है मान लेते हैं, लेकिन क्या ईमानदारी बिल्कुल नहीं, क्या हर जगह भ्रष्ट लोगों को मौका मिलता है? ऐसा नहीं, मेहनती लोगों को, सफल लोगों को, योग्य लोगों को हर जगह डिमांड मिलती है, और उसकी डिमांड हर जगह इसीलिए है क्योंकि बहुत कम है। मनमाना पैसा हमको मिलता है, 1 लाख नहीं 10 लाख आप आएंगे मिलेगा आपको, 1-1 करोड़ रोज प्रतिदिन की इनकम वाले लोग यहाँ पर इसी विश्व में हैं, जो 1 करोड़ रुपया रोज कमाते हैं, सैलरी है हमारी, आपकी सैलरी जो है जिंदगी भर में 1 करोड़ हम लोग कमाने, बड़ी बात है। क्या अंतर कैसे हो गया, क्या वो आसमान से आ गए? सोच में अंतर है। आपसे किसी ने कहा कि नौकरी नहीं मिलती है, बहुत दिक्कत है, भ्रष्टाचार है, बिना परिचय कुछ नहीं होगा, अगर आप नकारात्मक है तो स्वीकार कर, सकारात्मक है कहेंगे इसको मैं चैलेंज लेता हूं, मेरे लिए चुनौती है कि रोजगार कैसे नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा, मैं अपनी काबिलियत सिद्ध करूंगा। साथियों विश्वास मानिए मेरी बात का, सब बेमानी है, इसके बाद भी अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं और बढ़िया बोलते हैं, इम्प्रेस करते हैं, सवालों का जवाब देते हैं, तो कोई भी एक्सपर्ट हो, कितना भी भ्रष्ट हो, कितना भी पतित हो, कितना भी ज्ञान बीता हो, वो पूरा का पूरा हिल जाता है ये करने से पहले किसको हमने रखी नहीं रखेंगे, योग्य। आपसे पूछा गया कि साहब आप टीचर बनना चाहते हैं? हाँ साहब टीचर बनना चाहते हैं। अच्छा बताइए टीचर में सबसे बड़ी विशेषता क्या होनी चाहिए, एक अध्यापक में सबसे बड़ी विशेषता क्या होना चाहिए, आप क्या समझ लें? तो जो आप जवाब देंगे उससे ही मालूम हो जाएगा कि आप अध्यापक बनने वाले हैं, लायक हैं। आपसे कहा गया अच्छा भाई ठीक है आप कम्युनिकेशन का नाम सुना है आपने? हाँ सुना है। कम्युनिकेशन किसे कहते हैं बताइए? सर कम्युनिकेशन, सर कम्युनिकेशन का मतलब सर संदेश वाहन, संदेश वाहन है सर। संदेश वाहन क्या होता है? कंसेप्चुअल पार्ट। किसने कहा अच्छा बताइए पैरा लैंग्वेज क्या होता है? एक आप जानते हो एक बॉडी लैंग्वेज होता है, बी फॉर विक्ट्री, बॉडी लैंग्वेज। हमने आपसे सवाल पूछा कि ठीक है बताइए पैरा लैंग्वेज क्या होता है? एक टीचर का पैरा लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सफल अध्यापक बनने के लिए उसका पैरा लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए। अब आप हमने आपसे सवाल पूछा कि पैरा लैंग्वेज क्या होता है बताइए? आपने कहा सर पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज सर जब तक हमने आज तक तो नाम ही नहीं सुना सर पैरा लैंग्वेज का, कहाँ से आ गए सर? अब क्या हुआ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि आप मेहनत करते हुए बी ए में, बी ए बी कॉम में, बी बी ए में, एम बी ए में, ये हर किताब में मिलेगा पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज है आपका वॉइस मैनेजमेंट, जैसे आपने कहा राम इज ए गुड बॉय, ठीक है राम इज ए गुड बॉय। कभी आप गुटका का विज्ञापन देखते होंगे तो गुटका के विज्ञापन में अंतिम जो पार्ट आता है कि गुटका खाना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, वो जब बोलता है तो ध्यान दीजिएगा, इतना तेज बोलता है कि वो क्या बोला वो शायद स्वयं भी नहीं समझ पाया। ये पैरा लैंग्वेज का पार्ट है, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, इम्फेसिस। जैसे जब लिखते हैं तो कोई बात को आप चाहते हैं इम्फेसाइज किया जाए तो उसको अंडरलाइन कर देते हैं, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं तब क्या करेंगे? कहेंगे राम इज ए गुड बॉय, इसमें राम को अंडरलाइन कर लीजिए, ये बोलेंगे आप? नहीं, उसका वॉल्यूम राम इज ए गुड बॉय या राम इज ए गुड बॉय, गुड को अपने इम्फेसाइज करते हैं। आप जब क्लास में पढ़ाते हैं, आप जिस समय प्रेजेंटेशन देंगे रिसर्च का, आपका पैरा लैंग्वेज बहुत कम होगा,
तो आप जानते ही नहीं, या जो जानते हैं बहुत लोग जानते होंगे, मुझे बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो जब आप जानते ही नहीं कि पैरा लैंग्वेज क्या है, तो उसका प्रयोग कहाँ से करेंगे? और जब प्रयोग नहीं करेंगे तो आप सफल कहाँ से होंगे? सफल आदमी क्यों, तो पैरा लैंग्वेज बहुत बढ़िया होनी चाहिए। आप मोदी जी को सुन लीजिए, पैरा लैंग्वेज देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का पैरा लैंग्वेज आपने देखा होगा कैसे बोलते थे, सोनिया जी बोलती हैं और मुलायम जी बोलते हैं, मायावती जी बोलते हैं, हम किसी सिंह नेता का प्रचार नहीं कर रहे हैं, सबको देखिए कैसे बोलते हैं, उनका उनका वॉल्यूम, उनकी स्पीड, उसका पिच, हर व्यक्ति का अलग होता है। आपकी आपका पैरा लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए, इंटरव्यू में जब आप बोलना शुरू किए तो क्या बोले भूल गया, क्या बोले भूल गया, आपकी पैरा लैंग्वेज जितनी इफेक्टिव है प्रभावित होगी। इंटरव्यू में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि हर सवाल का जवाब दे, संभव नहीं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज और पैरा लैंग्वेज क्या है, ये इंटरव्यू में आपका काम करेगा। आगे आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंटरव्यू देने के लिए गए, जून का महीना है, हाथ कांप रहा है, सर भाई हाथ क्यों कांप रहा है, सर वो सब फीवर हो गया, सर मलेरिया हो गया, तो इसी समय टाइम था, इसी टाइम हो गया हाथ कांप रहा है। अच्छा, कुछ पसीना वसीना आपके सब पूरे चेहरे पर पसीना हो गया है, क्या हो गया? और कोई जवाब नहीं, इंटरव्यू में घबरा क्यों रहे हैं? अगर आपने रोज 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा पढ़ा है तो घबरा क्यों रहे हैं? आप खुद से पूछिए, रोज कितने घंटे पढ़ते हैं? एक डॉक्टर जो है साथियों 48 घंटे बिना किसी ब्रेक के पीएचयू में काम करते हैं डॉक्टर, पता कर लीजिएगा जाके डॉक्टरों का जो लाइफ है। यहाँ कोचिंग यहाँ भी होगा, बनारस में तो पूरा हब हो गया है, जो बच्चे कोचिंग के लिए इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के लिए करते हैं 12 घंटा तो मिनिमम है डेली पढ़ने। आप कहते हम रिसर्च करते हैं, कितने घंटे रोज पढ़ते हो, या सवाल पूछते हैं? आप 12 घंटा नहीं पढ़ेंगे रिसर्च करने के लिए? पता नहीं सर 12 घंटा कैसे पढ़ेंगे, तो रिसर्च कैसे होगा? अगर वो बच्चा जो है जो इंटर पास किया है वह 12 घंटे पढ़ सकता है, तो आप में क्या कमी है, क्यों नहीं पढ़ेंगे? अगर वो भी यहाँ आके 3 घंटा लेक्चर दे सकते हैं तो आप क्यों 3 घंटा सुन सकते हैं? आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमें बोलने के लिए तैयार नहीं, यही सफलता और सफलता का अंदर है। तो ऐसा अपना ब्रांड इमेज बनाइए, ऐसी ब्रांड इमेज बनाइए जहां पहुंच जाए, चाहे वो आपका सुपरवाइजर हो, चाहे वो आपका वाइस चांसलर हो, चाहे कहीं आपका इंटरव्यू में आप जाएं, चाहे शादी विवाह में जाएं, किसी जगह पर जाएं, आप जब बोलना आरंभ कर दें तो पूरा का पूरा मंडल शांत हो जाए, आपकी बात को सुनने के लिए बात हो जाए। साथियों, ये संभव है, इम्पॉसिबल सेज कौन कहता है कि आपको जॉब नहीं मिलेगा? मैं आपको लिखित में स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ, लेकिन वो कुछ शर्तें हैं, 12 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, रोज 12 घंटा पढ़ना, वो वाला नहीं कि टाइम देख रहे हैं तो 11 घंटा हुआ है, 1 घंटा और पढ़ना पड़ेगा, 12 घंटा ऐसा पढ़िए कि 14 घंटा बीत जाए, आप कहें 14 घंटा बीत गया, तो बंद नहीं पढ़ा, 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। कर सकते हैं इस बात को, आप करेंगे? मुझे नहीं मालूम, आवाज भी नहीं निकल पा रही, अभी तो काफी नहीं रहे हैं, अब सोचिए करने में, कहना तो आसान है तो करना, तो आपकी तो आवाज नहीं आ रही, मेरे पास क्या हो सकता है, मुझे कम सुनाई देता हो, घंटे में काम करता हो। मेरे साथियों, सफलता इतनी आसान है, इतनी सस्ती है, बस 12 घंटा पढ़ लीजिए। अच्छा, 12 घंटे आप पढ़ेंगे तो कौन सा ज्ञान आपका होगा, आपके विषय का, जो आपके पास नहीं होगा? बीजी साहब ने कहा कि अगर आप रिसर्च करते हैं तो आप उस एरिया के एक्सपर्ट हैं, जिस थीसिस को आप 300 करने में लिखे हैं उसको आपने वो लिखने में 3 साल लगाया है आपने, कोई कोई 5-5 साल लगाया हुआ है, तो जिन 300 पन्नों को आपने 3 साल में लिखा है उसको हम कैसे जान जाएंगे? उस पर हम सवाल पूछेंगे तो हम उसका जवाब क्यों नहीं दे पाएंगे? लेकिन मैंने कहा ना कि सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता, सफलता का शॉर्टकट नहीं है। मैंने शुरू वाले मैंने कहा कि सुपरवाइजर के पास गए कि सर रिसर्च करना है, अच्छी बात हो तो करिए, सर बता दीजिए आप हमको ले लेंगे, तो हाँ हम ले चुनेंगे, सर बताइए किस टॉपिक पर रिसर्च करें, रिसर्च करना आपको है, बताएंगे सुपरवाइजर?
ये आपको बताना पड़ेगा। सुपरवाइजर का तो आपने एरिया है, उस एरिया में आएगा तो आपको रखेगा, नहीं आएगा तो नहीं रखेगा। तो सवाल ये है कि क्या आपने ये दिमाग में बनाया है कि हम रिसर्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको जॉब करना है, रिसर्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिसर्च एक आदमी ने रिसर्च किया है और एक आदमी ने रिसर्च नहीं किया है, दोनों के बीच में अंतर साफ साफ दिखाई देगा, इसलिए आप कर रहे हैं। साथियों विश्वास रखिए, विश्वास मानिए मेरी बात का, अगर आपने मन से रिसर्च किया है एक अलग आपकी पर्सनैलिटी होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हाई होगा, आत्मविश्वास इतना हाई होगा कि वो अपने आप बताएगा। इंटरव्यू में जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो प्रयास कीजिएगा कि आई कंटेक्ट, आंख से आंख, आंख से आंख मिलाकर बात कीजिएगा, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। प्रवक्ता लोग भी जब क्या बोलते हैं सामने यहाँ पर आके तो आंख में आंख नहीं मिलाते, क्योंकि आंख में आंख तभी आप मिला पाएंगे जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल। अगर मैं पॉइंट याद करके आया हूँ तो मैं आपको आंख में आंख मिलाऊंगा तो पॉइंट ही भूल जाऊंगा क्या क्या बोलना है। जब हम लोग, मैं जब 1977 में आया तो मैं अच्छे अध्यापकों के पास जो पढ़ाए थे उनके पास मैं गया कि सर मैं अध्यापक बन गया हूँ, मैं एम कॉम जस्ट किया था, जून में मैंने किया और मुझे सितंबर में मौका मिल गया। मैंने कहा सर मैं बन गया हूँ, क्या करूँ मैं, क्या करना चाहिए मुझे? उन्होंने जो आपका सफल लोगों के पास जाइए, और सफल हर अध्यापक भी सफल नहीं है साथ में, असफल अध्यापक आपको जाके दुकान पर मिल जाएगा तो आपको बुला के आपसे बात करेगा, लेकिन जो सफल अध्यापक है समय उसके पास कहाँ है, वो कहाँ आपको मिलेगा? तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि फिर आपको पूछा करना है उसका, क्योंकि आपको उसे चाहिए, उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा, उसके सब नखरे आपको सहनी पड़ेंगे, लेकिन वो आपको सोना बना देगा। सोना कब चमकता है? जब आग में तपता है, न तपाई आग में चमकेगा। डायमंड कब चमकता है? डायमंड कब बनता है? हाथ पैर सब उसके, जब चश्मा लग जाए आपका, हालांकि हर चश्मा वाला विद्वान आवश्यक नहीं, लेकिन इतना पढ़ा अपने पढ़े कि वो आप नहीं करोगे तो समय बर्बाद कर रहे हो, विश्वविद्यालय का पैसा खर्च कराओगे, अपना 3 साल बर्बाद करोगे, कुछ नहीं होने वाला आपके साथ, कष्ट मुझे करने कोई जॉब नहीं मिले, पी एच डी लेके घूमते रहिएगा। मैंने बताया था कि 250-300 लोग चपरासी बनने के लिए पी एच डी वाले लोग अप्लाई किए थे, कुछ नहीं, पी एच डी तो एक 2-2 लाख बिक रही है। आई एम सॉरी टू से स्पंज पर नहीं करना चाहिए, लेकिन आप तो जानते भी ले लीजिए 1 लाख में पी एच डी, क्या करेंगे लेके पी एच डी 1 लाख में? 5,000 का महीना कमाएंगे तो 5,000 से 1 लाख जोड़ लीजिए, कितने साल मिलेगा मिलेगा आपको? और आपका आपका स्वाभिमान, आत्मसम्मान, वो जो पर्सनैलिटी में जो आभाव होती है उसका बता दीजिएगा। देखिए साथियों, हम जब बोलते हैं तो हमें कुछ पता नहीं चलता क्या समझ, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो अध्यापन का कार्य उसी प्रकार से है जैसे कि एक भक्त जो है भगवान की पूजा करता है, जैसे भगवान की पूजा करते समय जो सच्चा भक्त है उसको ये पता ही नहीं चलता कि क्या समझ बीत, ऐसे ही अगर अध्यापक जब पढ़ाता है तो उसको ये कुछ पता नहीं चलता कि क्या समझ होगा। इन वैलेबली मैं क्लास में कभी निकलता रहा हूँ जबकि मेरा अगला टीचर आ गया, अरे सर कुछ ज़्यादा सीनियर है तो बेचारा जूनियर बाहर खड़ा रहता है तो कोई बच्चा कैसे बोले, तो किसी ने हल्के से संकेत किया तो मैं पकड़ लिया चाची के बाद इन्जॉय करो। अगर मैं यहाँ बोलने के लिए आया हूँ और इसलिए बोलने के लिए आया हूँ कि डॉक्टर साहब मुझे डीए दे दें, समय देखूंगा क्या वजह वजह कि नहीं, 500 रॉप आता है, 500 रॉप बोलना पड़ेगा, नहीं बोलूँगा तो साहब बाहर करेंगे करें तो जल्दी नहीं करता, मजा नहीं आए आपके सामने अध्यापक कैसे भी आएंगे, यहाँ आएंगे ऐसी बात नहीं, कितना भी छाट लें कुछ भी कर लें, प्रकृति ने दानव और देवता दोनों को बनाया एक अच्छा, एक अच्छा अध्यापक बनता कब है? जबकि बुरे अध्यापक, हम तो हमेशा कहते हैं कि बुरे अध्यापकों को धन्यवाद दीजिए, असफल आत्माओं को धन्यवाद दीजिए, निकम्मे लोगों को धन्यवाद दीजिए, आलसी लोगों को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उनकी वजह से ही आपका मूल्य, अगर वो निकम्मे न होते, आलसी न होते, असफल न होते तो सफल लोगों को कौन पूछता? तो अब आपके ऊपर है कि आप जो है सोना बने, डायमंड बने या मिट्टी बन जाए, ये आपके सोना भी मिट्टी से ही बनता है, कोई आसमान से नहीं आता है। तो साथियों हरि अनंत हरि कथा अनंता, हमारे आप कोऑर्डिनेटर साहब कह रहे हैं कि समय हो गया है, समय तो हो ही जाएगा, आदमी तो खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं जो आने का यहाँ पर्पज है रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो ऐसा रोचक विषय है कि 1 घंटे में क्या होता है, 1 घंटे में तो खाली उसका आरंभ होता है, 1 घंटे में तो शुरुआत होगी कि हाँ रिसर्च के बारे में बात किया जाए, कि वो तो कम से कम
मिनिमम 5 घंटे देखिए लगातार वो बीबी सब्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी तन्मयता हट गई जब भाव भाव में आ गए, बह रहे हैं तो बह रहे हैं, भाव निकल गया तो फिर हमारे अध्यापक मैडम उसको स्वीकार करेंगी। एक ही अध्यापक एक ही तरह से पढ़ाता है, उन्हीं बच्चों को पढ़ाता है, किसी दिन भाव में आ गया इतना बढ़िया बोलता है कि बाहर निकलता है तो क्या आज आनंद आ गया, वही बच्चे वही अध्यापक वही क्लास एक दिन पढ़ाता है बाहर निकलता है कहता है पता नहीं क्या हो गया आज मजा नहीं आया, वही साथ भाव। तो जब मैं कहा कि मैं अध्यापक के पास गया पूछने के लिए, तो अध्यापक ने कहा कि राय साहब ये काम क्यों करना, जब पढ़ाने जाना तो कोई कागज लेके मत जाना, अगर कागज लेके गए तो फिर कभी अच्छे अध्यापक नहीं बन पाए। मैंने उस बात को गांड भाग, मैं 1 बजे 2 बजे रात तक पढ़ता था, सब चीज़ों को समझता था और उसके बाद तब जाके पढ़ता था, वो आदत जो बनी तो आज तक बनी। देखिए मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, कुछ भी मैं लेके नहीं आया, वो आदत जो वहाँ बन गई वो आज भी है। अगर शुरू में आपने आदत नहीं डाला और कागज और नोट्स लेके गए और कुंजी लेके गए और सब लेके गए, तो वही होगा जैसे कभी कोई परीक्षा टीजीटी हुई है कि पूरा पूरा गाइड बुक ही उसने उतार दिया, मैंने कहा क्या हो गया है हमारे अध्यापकों की आत्मा को, क्या हो गया है क्षमता को, क्या हो गया है कि मुझे पूरा का पूरा एक गाइड बुक से सब सवाल है, कहाँ हम चले गए, क्या कर रहे हैं। फिर वही पाऊंगा कि अगर सब कुछ हो रहा है इसीलिए हो रहा है क्योंकि अच्छे अध्यापकों की कमी है। अगर आप अध्यापक इसलिए बने क्योंकि कोई काम आपको नहीं मिला, क्या कुछ नहीं मिला क्या करें, बैंक में गए वहाँ भी नहीं मिला, IAS बनना चाहते थे, PCS बनना चाहते थे, ये चाहते थे वो चाहते थे, अब क्या करें सर कुछ नहीं मिल पाया, तो असर अब अध्यापक ही बन जाते हैं। तो फिर क्या हो, रिसर्च क्यों कर रहे हैं, अब क्या करें सर, बड़ा कोशिश किए BSc प्रयास कर रहे थे, PCS का किए, LIT का किए, ये किए वो किए, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है सर, तो सर ने कहा जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो उसकी रिसर्च ही कर लेते हैं, तो जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो हो रहा है तो रिसर्च कर रहे हैं, तो फिर रिसर्च क्या होगा, ये भी कुछ नहीं होगा। और 0/0 साथ में याद रखना, आप मेरी बात आपको याद आएगी, इतिहास गवाह रहेगा, नहीं मन से रिसर्च करोगे तो रिसर्च करने या ना करने कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, आपका तो आपका मान सम्मान नहीं होता, गाँव में जाते हो अगल बगल जाते हो कोई आपको नमस्ते भी करते हो जवाब नहीं देता, तो जवाब देगा फिर अब उस लायक हो ही नहीं, कौन सी क्वालिटी आपने पैदा किया, आपको जॉब ही नहीं मिला, आप तो क्लास में ढंग से पढ़ाते भी नहीं हो, बच्चे गाली देते हैं। अभी एक समस्या चल रही है UGC की, उसको मैं चर्चा करता हूँ अगली बार सेशन में, आप लोग अपनी इच्छा प्रकट कीजिएगा। UGC कह रही है कि अध्यापकों का मूल्यांकन विद्यार्थियों के द्वारा होना चाहिए, और हमारा पूरा अध्यापक समुदाय खड़ा हो गया, अरे निकम्मे बच्चे वो हमारा मूल्यांकन करेंगे, मैं आपसे चर्चा करूँगा इसके बाद, ये मोबाइल है साथ में मेरे पास, ये मोबाइल अच्छा है या बुरा है इसको कौन बताएगा, मेरे से मैं यूज करता हूँ मेरे से चप्पन बताएगा, यूजर बताएगा। तो अध्यापक अगर अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है तो बच्चों से अच्छा कौन बताएगा कि अच्छा पढ़ाता है नहीं पढ़ाता है, चर्चा करूँगा। अभी मैंने आप लोगों को मैटर दे दिया है, जब नेक्स्ट में आता हूँ तो इस पर हम लोग बात करेंगे कि क्या अध्यापक का मूल्यांकन विद्यार्थियों के द्वारा होना चाहिए कि नहीं, विशेष तौर से इस तरह की जब खाना खा के आएंगे तो आपको नींद आएगी, हम जानते हैं तो नींद ना आए इसके लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।